ऐश्वर्या राय के अफेयर के चर्चे भला किसे नहीं पता। सलमान से अलग होकर विवेक का हाथ थामा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे ऐश्वर्या ने उनका भी हाथ छोड़ दिया। चलिए आपको इनसे जुड़ा एक अनसुना किस्सा आज हम आपको बताते हैं, ऐश्वर्या राय से अफेयर और फिर सलमान खान से दुश्मनी का किस्सा। बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय फिल्मों में कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाए। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की फिल्म कर चर्चा में जरूर आए थे। ऐश्वर्या राय भले ही अब अभिषेक बच्चन की हो गई हो, लेकिन इससे कई साल पहले वो खान और ओबेरॉय के बीच पिसते पिसते रह गई थी, या यूं कहा जाए कि पिस ही रही थी। लेकिन ऐसा क्यों ना हो सका कि ऐश्वर्या और सलमान खान की शादी हो सकी, या फिर वो विवेक ओबेरॉय के साथ जा सकी। सलमान से तंग आकर ऐश्वर्या ने विवेक का हाथ थाम लिया था, फिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि उनका भी हाथ वो छोड़कर आगे चल पड़ी। एक वक्त था जब वो सलमान के प्यार में थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों में अनबन होनी बहुत ज्यादा शुरू हो गई। फिर खबर आने लगी कि ऐश्वर्या के साथ सलमान मारपीट किया करते थे। फिर जैसे तैसे ऐश सलमान से दूर हो पाई तो उनकी जिंदगी में एक नए हीरो ने एंट्री ली, और वो कोई और नहीं विवेक ओबेरॉय थे। सलमान से परेशान हो चुकी ऐश को विवेक का साथ काफी पसंद आने लगा। दोनों ने फिल्म क्यों हो गया ना में साथ काम करते वक्त एक दूसरे के लिए प्यार जताया और महसूस भी किया। यहाँ तक कि ऐश के 30वें जन्मदिन पर विवेक ने उन्हें 30 गिफ्ट भी दिए थे। जी हाँ दोस्तों, 30 गिफ्ट। हालांकि ऐश ने कभी खुलकर बयान नहीं किया कि वो विवेक के साथ रिश्ते में है, लेकिन इनके प्यार के चर्चे हर गलियारों में बड़े जोरों से गूंजा करती थी। लेकिन वो हर फंक्शन में उनके साथ नजर तक आती थी, जिससे साफ था कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ऐसे में विवेक के उस एक कदम ने सब कुछ बदल डाला। विवेक चाहते थे कि बुरे वक्त से गुजर रही ऐश के लिए वो हमेशा हाजिर रहे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। विवेक ने एक होटल के कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और खुलासा किया कि उन्हें सलमान की तरफ से जान से मारने की धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस ने किसी का भला करने की बजाय विवेक का ही सब कुछ छीन लिया। उस दिन बंद कमरे में जो ऐश के साथ हुआ वो वाकई दिल दहलाने वाला था। विवेक ऐश की भलाई चाहते थे, ये हो सकता है, लेकिन इस बड़े कदम ने उस दिन बंद कमरे में जो कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में विवेक से सब कुछ लूट गया। अब ऐश और अभिषेक ने फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के कुछ ना कहो गुरु उमराव जान में एक साथ काम किया। माना जाता है कि उमराव जान में काम करते वक्त ही इनके बीच नजदीकियां बढ़ी, और टोरंटो में गुरु के प्रीमियर के बाद अभिषेक ने ऐश को प्रपोज कर दिया। ऐश ने झट से हाँ कर दी और आज वो अमिताभ बच्चन के घर की बहू है। वाकई जिंदगी कब क्या खेल खेल जाए ये शायद हमें खुद भी नहीं पता होता। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ज्योति की रिपोर्ट।